हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों हम ये एग्जांपल सीखेंगे, ओके। एंड दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई एग्जांपल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर हो सका तो मैं उस एग्जांपल के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑटोकैड के अंदर, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ हमें, इसकी मैक्सिमम लेंथ देखेंगे और वेट देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट इसकी 9.6 है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो 11.5 है दोस्तों, ओके। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिमिट सेट करते हैं, LIMITS एंटर, यहाँ पर 0.0 एंटर, और अपर लिमिट क्या सेट कर देंगे दोस्तों, अपर लिमिट में हम जो x है वो क्या डालेंगे, 11.5 है दोस्तों। तो ऑटोकैड के अंदर हम हमेशा हाफ में तो हम हमारी इमेज इंसर्ट करेंगे और हाफ में हम ड्राइंग ड्रा करेंगे, ओके। ये जैसे 11.5 है तो इसका हम डबल से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम 11.5 था तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 25, ओके। उसके बाद कोमा, उसके बाद जो हाइट है वो 9.5 थी और हाइट हम ले लेते हैं यहाँ पर लगभग 15, एंटर, ओके। और फिर जेड स्पेस ए स्पेस, तो ये हमारी लिमिट सेट हो चुकी है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद अटैच के ऊपर, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 6 है, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ओके कर देंगे। और फिर जैसे हाफ में लगभग यहाँ से मैं इसका स्केल यहाँ तक ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ तक, ओके। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे सबसे पहले, जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 11.5 और 9.6 हाइट है, ओके। तो होम के ऊपर यहाँ पर हमारी रेक्टेंगल की कमांड होती है, यह हम डायरेक्ट REC स्पेस बार, फिर एक क्लिक, उसके बाद D और फिर एंटर, उसके बाद लेंथ 11.5, ओके। एंड विड्थ जो हमारी वो क्या है, 9.6, एंटर। तो यहाँ पर ये स्पेस वाई अदर कॉर्नर पॉइंट पूछेगा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ओके। जैसे आप देख रहे होगे ये ड्राइंग, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, M एंटर, और फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये कर लेंगे, उसके बाद हम एक इनिशियल पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव कर लेते हैं, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। हमेशा जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो सबसे पहले वो पार्ट बनाइए उसका जो आपको समझ में आता हो, बिल्कुल ईजी हो जो, ओके। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल था तो मैंने पहले रेक्टेंगल बना लिया। और सेकेंड स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल है, तो रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट पता करना बिल्कुल ईजी होता है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर 4.5 और ये आगे डाया का निशान है दोस्तों यहाँ पर, तो अब क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, सी एंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर जो है रेक्टेंगल का मिडल पॉइंट है, पर ये मिडल पॉइंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर मिड पॉइंट ऑन करना पड़ेगा दोस्तों, ओके। यहाँ पर आगे क्लिक होना चाहिए इसमें, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे रेक्टेंगल का मिडल पॉइंट जो है यहाँ पर इस लाइन का, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और एक दो सेकंड होल्ड रखता हूँ दोस्तों। होल्ड करने के बाद जैसे ही मैं मूव करता हूँ कर्सर को, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक प्लस का आइकन बन गया है, ग्रीन, ओके। और सेकंड मैं यहाँ पर इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर को, और यहाँ पर भी एक दो सेकंड के लिए कर्सर को होल्ड रखूँगा, कोई क्लिक नहीं करनी दोस्तों, सिर्फ होल्ड रखना है। और अब जब मैं इसको मूव करता हूँ कर्सर को इसके सेंटर की तरफ, ये क्या करेगा दोस्तों, एक तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर शो करेगा लाइन, और एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर, तो जहाँ पर ये क्रॉस करते होंगे वो हमारा सेंटर पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं अब, और उसके बाद हमें क्या एंटर करना है दोस्तों, डायमीटर, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो रेडियस रहती है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करते हैं, डी एंटर, ओके। अब ये हमसे डायमीटर पूछेगा, तो डायमीटर हमारे यहाँ पर 4.5 है, ओके, यहाँ पर एंटर करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये सर्कल्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब सेम रेडियस के हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इस सर्कल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी सेंटर की। तो जैसे आप देख रहे होगे बार की साइड यहाँ पर 5.8 डिस्टेंस दे रखी है, वो कौन सी डिस्टेंस है दोस्तों, इस सेंटर से इस सेंटर की। ओके, जो बाकी बची हुई डिस्टेंस वो क्या होगी, 9.6 माइनस 5.8। ओके, 9.6 माइनस 5.8 एंटर, तो यहाँ पर 3.8 वैल्यू आ गई दोस्तों। 9.6 माइनस 5.8 3.8 वैल्यू आती है। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि ये लेंथ प्लस ये लेंथ आई है। और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से एंटर, और फिर ये क्या आ गया 1.9 क्या आ गई दोस्तों, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी 1.9 आ गई। ओके, 1.9 ये यहाँ तक है, यानी कि इस सेंटर से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, 1.9। अब हमें इस सर्कल का सेंटर की डिस्टेंस पता चल गई इस लाइन से 1.9, और ये सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी है 1.9। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, दो तरीके हैं, या तो हम इसको एक्सप्लोर करके बाय लाइन ऑफसेट ले लें 1.9 का, या डायरेक्ट हम इस रेक्टेंगल का ऑफसेट लेते हैं ओ एंटर 1.9 एंटर, और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अंदर की साइड क्लिक, ओके, फिर एस्केप। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल 1.9 की डिस्टेंस पे ड्रा हो गया। ओके, इससे इसकी डिस्टेंस 1.9 है, यहाँ से डिस्टेंस 1.9 है। ओके, तो हमारा सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ पर इसका ये कॉर्नर है। ओके, तो अब क्या करते हैं, सी एंटर, और अब हमें इन सर्कल की रेडियस जो दे रखी है अंदर वाले की वो है 0.7, और बार वाले का डाया जो दे रखा है वो क्या है दोस्तों, 2.5। तो यहाँ पर मैं रेडियस एंटर करता हूँ 0.7 एंटर, और उसके बाद जो डाया दे रखा था नेक्स्ट सर्कल का वो क्या था, 2.5। सी एंटर, फिर यहाँ पर सेंटर डिफाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा मूव करते हैं कर्सर को, और फिर डी एंटर, अब 2.5 एंटर। तो अब यहाँ पर ये सर्कल ड्रा हो गए दोस्तों दोनों के दोनों, और आप देख रहे होंगे ये चारों सेम है। तो अब नेक्स्ट कमांड क्या लेते हैं दोस्तों, कॉपी, सी ओ एंटर। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं यहाँ पर, फिर राइट क्लिक, फिर इनका सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर ये क्लिक, उसके बाद ये कमांड कंटिन्यू रहेगी, ये कॉर्नर क्लिक, और यहाँ पर ये क्लिक, और फिर एस्केप की। अगर आपका ऑर्थो ऑन है तो आप ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए ताकि आसानी हो यहाँ पर ये क्लिक करने में। ओके, और उसके बाद ये रेक्टेंगल हम डिलीट कर देते हैं दोस्तों। अब लास्ट वर्क क्या रह गया दोस्तों, यहाँ पर ये रेडियस, यहाँ पर इतना तो हमें पता चल गया कि इनकी डिस्टेंस क्या थी, और इसकी रेडियस कहीं पे दे नहीं रखी इस डायग्राम में। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारी ये डिस्टेंस थी इस सेंटर से यहाँ तक, तो वो एक तरह से इस सर्कल की रेडियस ही हो गई। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है हमारे पास फिलेट, जो कि हमारी मॉडिफाई पैनल में यहाँ पर होती है। ओके, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, रेडियस एंटर करेंगे, आर स्पेस बार या एंटर, रेडियस हमारी कितनी होगी 1.9। ओके, और उसके बाद सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे ये दे दिया, सेकंड ये दे दिया। ओके, एस्केप की, कंट्रोल जेड, और फिर फिलेट दोबारा, और उसके बाद रेडियस यहाँ पर 1.9 एंटर। उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पॉलीलाइन का ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस रेक्टेंगल पे हमें चारों तरफ फिलेट अप्लाई करना है, तो इसलिए हम पूरे रेक्टेंगल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम ड्रा हो गया। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें इनकी डायमेंशन चेक करनी है तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, और थोड़ा नीचे की तरफ मूव, तो आप देख रहे होंगे 11.5 इसकी करेक्ट डायमेंशन है। ऐसी अगर इनकी डायमेंशन चेक करनी है तो यहाँ पर ये 4.5। ओके, इनकी करनी है तो इसके ऊपर क्लिक, 2.5, और ये 1.4। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेंगे, और फिर एस्केप की। अगर दोस्तों आपको ये एग्जांपल डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से इस एग्जांपल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 5 सेकंड के लिए ऐड चलेगी, फिर स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके फिर ये डायरेक्ट एग्जांपल को डाउनलोड कर सकते हो।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई एग्जांपल है तो आप वो मुझे ईमेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। मैं ट्राई करूँगा कि उस एग्जांपल के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। एंड दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।